गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडेज टॉपिक इज पब्लिक कॉर्पोरेशन। बेटा पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन को। पब्लिक कॉर्पोरेशन का मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइजेज विच इज क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। बेटा पब्लिक कॉर्पोरेशन पब्लिक सेक्टर की ऐसी एंटरप्राइज है जिसका क्रिएशन पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है या स्टेट लेजिस्लेचर के जो स्पेशल लेवल के एक्ट पास किए जाते हैं उनके जरिए पब्लिक एंटरप्राइजेस को एस्टेब्लिश किया जाता है। तो पब्लिक कॉर्पोरेशंस कौन सी कॉर्पोरेशंस होती हैं जिन्हें क्रिएट करने में पार्लियामेंट का एक स्पेशल एक्ट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो स्पेशल एक्ट हैं इन्हें क्रिएट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। उसके बाद बेटा इसके एग्जांपल्स में क्या क्या आ सकते हैं? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आ सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ सकता है, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आ सकता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आ सकता है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन आ सकता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आ सकता है, एक्सेट्रा। और भी बहुत से डिपार्टमेंट हैं जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस के एग्जांपल में रोल प्ले करते हैं। अब बेटा पब्लिक कॉर्पोरेशंस की फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहली फीचर है इसकी फॉर्मेशन की। दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। बेटा मैंने पीछे मीनिंग में भी आपको बताया था कि पब्लिक कॉर्पोरेशंस को एस्टेब्लिश करने में इसकी फॉर्मेशन में पार्लियामेंट का स्पेशल लेवल का एक्ट होता है या स्टेट लेजिस्लेटिव लेवल की जो असेंबली है उनके जो स्पेशल एक्ट हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। इसका मतलब पब्लिक कॉर्पोरेशन को बनाने में पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट और स्टेट लेजिस्लेटिव लेवल के असेंबली के जो एक्ट होते हैं वो पब्लिक कॉर्पोरेशन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद इनकी ओनर कौन होती है, ओनरशिप इनकी क्या है? द कॉर्पोरेशंस आर कंप्लीटली अंडर द ओनरशिप ऑफ द गवर्नमेंट। ये सारी की सारी जो कॉर्पोरेशंस हैं ये बेटा गवर्नमेंट की पूरी कंप्लीटली ओनरशिप के अंदर आती हैं। इसका मतलब इन एंटरप्राइजेस की जो ओनर है वो गवर्नमेंट होती है। पब्लिक कॉर्पोरेशंस की जो ओनर है वो कंप्लीट तरीके से इनकी गवर्नमेंट इनकी ओनर होती है। उसके बाद इसका मैनेजमेंट कौन करता है? द मैनेजमेंट ऑफ दिस कॉर्पोरेशन इज लुक्ड आफ्टर बाय द नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट। बेटा इन कॉर्पोरेशंस की मैनेजेरियल एक्टिविटी को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं और गवर्नमेंट के अपॉइंटेड जो डायरेक्टर्स हैं इन कॉर्पोरेशंस की मैनेजेरियल एक्टिविटीज को एज अ मैनेजर हैंडल करते हैं और वही मैनेजर इन कॉर्पोरेशन के टाइमली डिसीजन लेते हैं। मैनेजेरियल एक्टिविटी में उनकी प्लानिंग का काम, उनकी ऑर्गेनाइजिंग का काम, उनकी स्टाफिंग का, उनकी डायरेक्टिंग, उनकी कंट्रोलिंग का काम गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड जो डायरेक्टर हैं ये इनकी मैनेजेरियल एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हैं। तो इनका मैनेजमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स हैं ये इनकी मैनेजेरियल एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं। उसके बाद इनकी फाइनेंसिंग कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आता है? तो अगला पॉइंट फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। देयर कंप्लीट फाइनेंसिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट। इनके फाइनेंस से रिलेटेड कंप्लीटली काम फाइनेंस का गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इफ नीड आल्सो दे कैन बोरो फ्रॉम पब्लिक। वैसे तो गवर्नमेंट से सारी की सारी फाइनेंसिंग होती है, यदि गवर्नमेंट का पैसा इनके पास कम पड़ जाता है तो ये आम पब्लिक से भी उधार ले सकते हैं। दे बोरो फ्रॉम द पब्लिक, ये पब्लिक से भी उधार ले सकते हैं। उसके बाद इनके अपॉइंटमेंट्स कौन करते हैं, इनकी नियुक्तियां किस तरीके से होती हैं डिपार्टमेंट की? कॉर्पोरेशंस हैव देयर ओन
कॉर्पोरेशंस में लोगों की नियुक्तियां करने के अपने खुद के इनके रूल्स होते हैं एंड रेमोनरेशन ऑफ द एम्प्लॉय और एम्प्लॉय को काम करने के बाद क्या रेमोनरेशन देना है, किनको अपॉइंट करना है, इनके अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन होते हैं। सर्विस कंडीशंस जो इनकी हैं आर फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर्विस की कंडीशंस भी गवर्नमेंट के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं वो सर्विस की कंडीशन को सेट करते हैं। द एम्प्लॉयज ऑफ द कॉर्पोरेशन लाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट। इनके एम्प्लॉय बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की तरह जो एम्प्लॉय हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते। इसका मतलब इनके अपॉइंटमेंट इनके खुद के रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं, एम्प्लॉयज को रेमोनरेशन क्या देते हैं वो भी इनके खुद के रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। उसके बाद बेटा इनकी जो है एक्टिविटीज को हैंडल कैसे करने हैं, क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, इनके काम करने की जो कंडीशन है सर्विस की कंडीशन वो जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनके द्वारा यहाँ पर फिक्स की जाती है। उसके बाद है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है दे हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकी अपनी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब क्या है, दे कैन परचेज प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन, ये प्रॉपर्टी को अपने तरीके से अपने नाम से रखते हैं। उसके बाद है दे कैन हैव कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पार्टीज, ये दूसरी पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। दे कैन सू अदर्स एंड अदर्स आल्सो बी सूड, ये किसी पे भी मुकदमा कर सकते हैं और दूसरे भी इनके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। इसका मतलब इनकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है फीचर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, इनकी जो है काम करने की जो प्रशासनिक लेवल की खुद की स्वायत्तता होती है। देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द कॉर्पोरेशन, इन कॉर्पोरेशंस के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी राजनीतिक लेवल का दबाव हस्तक्षेप नहीं होता है। दे आर फ्री टू यूटिलाइज दोज पावर्स व्हिच दे गेट थ्रू एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के एक्ट के अकॉर्डिंग जो इन्हें पावर मिली हुई है ये अपनी पावर का अपनी मर्जी से यहाँ पर यूज करते हैं और जो लेजिस्लेशन के एक्ट के अकॉर्डिंग भी इन्हें पावर मिली हुई है उस पावर का भी ये अपनी मर्जी से यूज करते हैं। तो बेटा ये आज के टॉपिक में हमने क्या किया, पब्लिक कॉर्पोरेशंस की हमने फीचर्स की हैं क्या क्या, फॉर्मेशन, ओनरशिप, मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग, अपॉइंटमेंट्स, सेपरेट लीगल एंटिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। बेटा यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जितनी भी हमारी पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेज मेन तीन है, पहली जो है हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरी है पब्लिक कॉर्पोरेशन जिसे स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन कहते हैं, तीसरा है गवर्नमेंट। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, इनकी फीचर सबके सेम है, फीचर सबके सेम है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है आपने, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर में यहाँ इस पॉइंट में सिक्स पॉइंट में आएगा नो सेपरेट लीगल एंटिटी, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की नो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, ये उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। सिर्फ ये पॉइंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का अलग है, वहां क्या है नो सेपरेट लीगल एंटिटी, बाकी पॉइंट चाहे वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के हैं, चाहे हमारी पब्लिक कॉर्पोरेशन स्टेटचरी के हैं, चाहे हमारे गवर्नमेंट के हैं, फीचर्स के पॉइंट सबके सेम है। क्या क्या, फॉर्मेशन, ओनरशिप, मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग, अपॉइंटमेंट्स, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी पब्लिक की भी यही है, गवर्नमेंट की भी यही है, केवल डिपार्टमेंटल में यहाँ आएगा नो सेपरेट लीगल एंटिटी, और लास्ट पॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। तो आज के टॉपिक में हमने पब्लिक कॉर्पोरेशंस का मीनिंग और उसकी फीचर्स की हैं, फीचर्स के पॉइंट तीनों के सेम है, सिर्फ डिपार्टमेंटल में यहाँ है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। थैंक यू बेटा।